शिवाय नमस्तु। सरस्वती जी का एक नाम शारदा है। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा, शारदा। ये शारदा नाम कहां से पड़ गया? सरस्वती माता को शारदा नाम किसने दिया था? भाई नामकरण होता है तो हमारे यहाँ तो आज भी नियम है महाराज, ये बुआ कोई नाम बताती है, मामा जी कोई नाम बताते हैं और दादाजी कुछ बोलते हैं। कोई बोलेगा टिक्कू, कोई बोलेगा पिक्कू, कोई बोलेगा कुछ, सबके नाम अपने अपने रहते हैं, कोई प्रेम से क्या बोलता है। तो सरस्वती का शारदा नाम किसने प्रदान किया था? माता सरस्वती को शारदा संबोधन किसने दिया था? माता सरस्वती को शारदा का संबोधन किस समय पर प्रदान किया गया था? जिस समय पर शंकर और पार्वती भ्रमण पर निकल रहे थे और भगवान ब्रह्मदेव सरस्वती को ढूंढ रहे थे, और माता सरस्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जब भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचे हैं, तब भगवान शंकर से ब्रह्मदेव ने कहा, आप कहीं सरस्वती को देखें तो मुझे भेजिएगा, मेरे पास में भेजिएगा। शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती से कहा, पार्वती जैसे एक स्त्री जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, एक नारी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होती है, पति को परमेश्वर मानने वाली होती है, पति के चरणों का रसत्व ग्रहण करने वाली होती है, तो वो पर पुरुष का स्मरण नहीं करती। उसी तरह एक पति जो अपनी अर्धांगिनी के साथ में रहे और अर्धांगिनी के साथ चले तो पर नारी का स्मरण नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो पार्वती, तुम उस सरस्वती को बुलाना प्रारंभ करो। अब पार्वती जी ने कहा, सरस्वती तो मेरी बहन जैसी है, सरस्वती तो मेरी सखी जैसी है, अब मैं उसको अगर बुलाऊं, आवाज दूं, अच्छा नहीं लगेगा। तो माता पार्वती जब ढूंढते 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 शंकर भगवान के साथ में भ्रमण करती करती पहुंची, तो क्या देखती है माता पार्वती कि एक सरोवर के पास में माता सरस्वती बैठकर सरोवर में अपना मुखाग्रबिंद देख रही थी। श्वेत वस्त्र था मेरा माँ का और बड़ी सुंदर गले में माला पहन रखी थी माता सरस्वती ने, और एक सरोवर में माता सरस्वती अपने मुख को जब निहार रही हैं, उस दर्पण के भाव में अपने प्रतिबिंब को देख रही हैं, तब उस समय पर माता पार्वती ने कहा, शारदा, सरस्वती को लगा कि मेरा संबोधन ये किसने कहा, पलट कर देखा। सरस्वती ने कहा, पार्वती तुम? हां, मैंने तेरा जो दर्पण में प्रतिबिंब देखा है, तेरा स्वरूप देखा, पर तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, पर तेरा जल में जो स्वरूप देखा ना, वो नीला दिखाई दिया, थोड़ा सा श्याम दिखाई दिया, इसलिए मैंने तुझे शारदा कह दिया। आज भी हमारे मध्य प्रदेश के कटनी और सतना के बीच में महियर में आज भी शारदा भवानी विराजमान है। धार जिले में जाएंगे तो बाग क्षेत्र में मां बागेश्वरी, मां शारदा आज भी विराजमान। कहा सरस्वती जी पूछी, पार्वती तुमने मेरे को शारदा क्यों कहा? क्योंकि तेरा जो प्रतिबिंब था वो शाम नजर आ रहा था मुझे। उस प्रतिबिंब को देखकर मैंने तुझे शारदा का संबोधन दिया, तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। सरस्वती ने कहा, पार्वती मैया, दीदी आपने मुझे जो नाम दिया है, जगत के लोग, संसार के लोग मुझे इस नाम से जब पुकारेंगे तो ये शारदा, ये सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर, उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी। ये शारदा बनकर इसलिए हमारे स्कूलों में, हमारे काव्य ग्रंथों में, हमारे जो कविगण रात्रि को जो काव्य पाठ करते हैं, कविता का स्मरण करते हैं, वो सरस्वती की वंदना नहीं करते, हे शारदे माँ,
शारदा की वंदना करते। कभी आपसे कोई पूछ ले कि शारदा नाम पार्वती सरस्वती का कब पड़ा, तो आप बता सकते कि ये माता शारदा नाम कोई सहज नहीं है, मां ढूंढने के लिए जब निकली ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शिव के साथ भ्रमण करती। नाम का उच्चारण कोई सहज नहीं होता, कोई देखता होगा, दादाजी ने अगर किसी का नाम कुछ रखा है तो कुछ सोच के रखा होगा, पिताजी ने अगर कुछ रखा है तो उसके मन में कुछ आया होगा तो रखा होगा, मम्मी ने अगर कोई नाम रखा है तो उसने कोई विचार कर कर रखा होगा। कोई नाम अगर किसी का रखा जाता है तो उसके अनुकूल रखा जाता है कि हो सकता है कि वो नाम की क्या उसके मन में चल रहा होगा। तो शारदा का संबोधन कोई सहज नहीं है, माता सरस्वती का एक नाम शारदा हुआ, इसलिए संबोधन में सरस्वती कम शारदे मां ज्यादा बोला जाता है। आप कब्द पाठ कर लो, नाम जाप कर लो, स्मरण कर लो। हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का फूल, आप प्रयास करो सरसों का फूल, जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को समर्पित। कई जगह पर आम के जो झूमर होते हैं वो, कई जगह पर सरसों का पुष्प, सरसों का फूल। वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर होता है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है। संत पंचमी का दिन महाराज, सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन और पार्वती भ्रमण पर निकल रहे थे, एक ही दिन चढ़ता है। और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं, ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है, ऐसा नियम है। कहीं ठेका, कोई ठेकेदारी करते ना जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जानो ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पर जोड़ने से अच्छा है एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धुतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। बस केवल अवधूतेश्वर मां, अर्थात ये जो क्रम है ये वो क्रम तो 108 सरसों के फूल का आप कभी भी कर सकते हो, पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है। शिवाय नमस्तु। लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो, हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया।